क्या आपको मालूम है धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे क्यों थे? महाभारत में राजगद्दी की लड़ाई शुरू से ही थी। किसी को अपने पिता की गद्दी चाहिए थी, तो किसी को अपने बल और शक्तियों के दम पर राजा बनना था, तो कोई अपने वचनों से बंधा हुआ था। हस्तिनापुर की राजगद्दी का नेतृत्व शुरुआत से ही डावाडोल था। कहीं ना कहीं हस्तिनापुर के राजाओं ने अपना राज्य कर्तव्य छोड़कर अपने स्त्री मोह पुत्र मोह को प्राथमिकता दी थी। और आज हम आपको हस्तिनापुर के राजा महाभारत काल के पुत्र मोह में बंधे नेत्रहीन धृतराष्ट्र के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि धृतराष्ट्र अंधे ही कैसे पैदा हुए थे? इसका कारण क्या था? इस रोचक जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धृतराष्ट्र के अंधे होने के पीछे की पूरी कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के महाराज शांतनु से। शांतनु ने जब सत्यवती से विवाह करने का निर्णय किया तो उन्होंने भविष्य में होने वाले अपने पुत्र को ही हस्तिनापुर का महाराज बनाने का वादा शांतनु से मांगा। ये सुनकर शांतनु आहत हो गए, लेकिन वहीं खड़े देवदत्त यानी भीष्म ने अपने पिता की परेशानी देखते ही सत्यवती को उनके पुत्र को ही राजा बनाने का वचन दे दिया था। और ये वही निर्णय था जिसने हस्तिनापुर की किस्मत बदल दी थी, क्योंकि अगर भीष्म राज्य संभाल लेते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। और फिर आगे चलकर सत्यवती ने चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया, और वचन के अनुसार चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया था। लेकिन शायद नीति को ये मंजूर नहीं था, इसलिए कुछ समय पश्चात चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी। और दूसरी तरफ विचित्र वीर्य उम्र में काफी छोटे थे, जिसके बावजूद उन्हें हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर बैठा दिया गया, जिसका भीष्म रक्षण कर रहे थे। समय यूं ही बीतता गया और विचित्र वीर्य का विवाह करने का समय आ गया था, जिसके पश्चात अंबिका तथा अंबालिका से विचित्र वीर्य की शादी कर दी गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। राज्य के मोह ने सत्यवती से न जाने कितने दुष्कर्म करवाए, और समय ने उनका एक और बेटा विचित्र वीर्य भी छीन लिया था। सत्यवती के दोनों पुत्र वधुओं से कोई संतान न थी, और वचनबद्ध भीष्म राजा नहीं बन सकते थे, जिस कारण बहुत बड़ी समस्या सामने आ खड़ी हुई थी कि कुरु वंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसलिए सत्यवती ने अंबिका तथा अंबालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेज दिया था। दोनों के व्यास ऋषि के साथ हुए शारीरिक संबंध की स्थितियों के कारण ही एक का पुत्र अंधा यानी धृतराष्ट्र ने जन्म लिया, और एक का पुत्र रोगी यानी पांडु ने जन्म लिया था। आखिर में हस्तिनापुर को एक दृष्टिहीन महाराज ही मिला, और यहाँ से शुरू हुई महाभारत। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।